भारताकडून पॅलेस्टाईनला अन्नधान्याची व औषधीची मदत पाठवा, वंचितचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन. पॅलेस्टाईन व इस्रायलमध्ये युद्ध सुरू आहे. या युद्धामध्ये पॅलेस्टाईनची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. भारताकडून हे युद्ध बंद करण्याची मागणी करून पॅलेस्टाईनला भारताकडून अन्नधान्याची तसेच औषधांची मदत करण्यात यावी अशा मागणीचे निवेदन आज दिनांक 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी वंचित बहुजन आघाडी महानगर पश्चिमच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. आज वंचित बहुजन आघाडी अकोला पश्चिम की तरफ से अली जनाब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के आदेश पर जो कल उन्होंने देश के जो है प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है कि जो फलस्तीन और इसराइल में युद्ध चल रहा है और फलस्तीन के अंदर जो है वहाँ जो है जो बेकसूर लोगों को जो मारा जा रहा है, जो दवा खाने पर वहाँ जो है बमबारी की जा रही है, तो भारत सरकार जो है फौरन वहाँ जो है आर्थिक मदद जो है भेजे, जो है दवाइयाँ भेजे. वहाँ खाने के लिए जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, 8-8 दिन से वहाँ पानी नहीं है, नल नहीं है, खाना नहीं है. तो हमने जो है कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर के जरिए जो है भारत सरकार जो है वो फौरन जो है फलस्तीन के अंदर जो है वो आर्थिक मदद और जो है मेडिकल की जो मदद है वो सारी जो है मदद भेजे. और पूरी दुनिया से मदद जा रही है, ठीक है, एक जंग चल रही है, उनका एक जो भी मुद्दा हो, लेकिन जो है इंसानियत को देखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो इंसानियत है. वहाँ जो भी हो रहा है, जो भी दोनों मुल्कों में हो रहा है, वहाँ इंसानियत का कत्ल हो रहा है. और हमारी यूएनओ से भी ये गुजारिश है कि वो फौरन जो है ये कत्लेआम को रोके. उसके लिए आज हमने कलेक्टर साहब को जो है एक निवेदन दिया और वो निवेदन में रिक्वेस्ट की गई है भारत सरकार से कि वो जो है भारत सरकार फौरन जो है फलस्तीन के अंदर जो है वो आर्थिक और मेडिकल मदद भेजे फौरन.